आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद नैनीताल के कालाडूंगी क्षेत्र में एक तेंदुआ मृतक हालत में पड़े मिलने से हड़कंप मच गया। रामनगर वन विभाग के कालाडूंगी रेंज अंतर्गत गुलजारपुर में मुख्य हाईवे पर कुछ दूरी पर आबादी से सटा हुआ पड़ाई दिया तेंदुए का शव। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए के शव को अपने कब्जे में ले लिया। रामनगर वन विभाग के प्रभागीय वन अधिकारी दिग्यात नायक और उप प्रभागीय वन अधिकारी किरण शाह ने मौके पर पहुंचकर वन कर्मियों से जानकारी दी। प्रभागीय वन अधिकारी दिव्यात नायक ने बताया कि तेंदुए के शरीर पर गहरे जख्म दिखाई देने से आपसी संघर्ष का या किसी वाहन में चपेट में आकर मौत होने का प्रतीत हो रहा है। कालाडूंगी रेंज के विश्राम गृह में वन विभाग के आला अफसरों के सामने तेंदुए का पोस्टमार्टम करने के बाद शव को जलाकर नष्ट कर दिया। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए नैनीताल से जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। और एक मेल लेपर्ड आज मृत अवस्था में मिला है हमें चकलवा बीट में, तो प्रथम दृष्टि तो यही लग रहा है कि इसमें कुछ घाव का निशान है, तो आपसी संघर्ष का भी हो सकता है या कोई एक्सीडेंट के कारण भी हुआ हो सकता है। अभी हम हमारे दो डॉक्टर पैनल आ रहे हैं, तो वो जब पोस्टमार्टम करेंगे और इसका सैंपल जब IVRI बरेली भेजेंगे उसके बाद और क्लैरिटी आ जाएगा। तो यही है, यहाँ पर बार बार कंप्लेंट आती रहती है तराई सेंट्रल डिवीजन में भी, रामनगर डिवीजन में भी, कि गुलदार गांव की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम इसका सावधानी रखते हुए हमारा स्टाफ दिन रात इसका गश्त भी कर रहे हैं और बार बार गांव वालों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि कहीं रात के समय में अकेले में मत जाया करिए और बच्चों को खासकर उनको बाहर ना जाने दीजिए रात के समय में, और अपना सावधानी तो रखिए। और उसके साथ साथ हमारी टीम भी घूम ही रही है और जहाँ जहाँ इसका मूवमेंट है वहाँ पर हम कैमरा ट्रैप लगा के उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।